हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ बेस। आज ही मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला अपडेट निकल के आ रहा है घातक भाई की तरफ से, वो हमें स्नैक्स और मामा भाई के साथ देखने को मिले। उनकी वो क्लिप आप देख सकते हैं। चाहसा गोत घातक भाई सो बहुत मराठी सीख रहा हो गाइस। अगला अपडेट निकल के आ रहा है TX की तरफ से। मेडल स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं कियोया, उन्होंने TX ज्वाइन कर लिया है अपथर्स्ट के टूर्नामेंट के लिए। आपको क्या लगता है, वो आगे भी TX के साथ कंटिन्यू करेंगे? मुझे कमेंट से जरूर बताना। अगला अपडेट निकल के आ रहा है मेजी की तरफ से। मेजी से रोड मैप के बारे में पूछा गया था कि कब आने वाला है, और उन्होंने इंडिया कोरिया इन्विटेशनल की एक शॉकिंग चीज रिवील की। उनकी वो क्लिप आप देख सकते हैं। रोड मैप बताओ, रोड मैप हमें खुद नहीं पता है, तुमको कहां से बताऊं भाई। रोड मैप का अभी तक कोई भी सीन नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है रोड मैप बाकी सारी चीज़ों का। डी प्लस किया ने बड़ी जल्दी कैसे अडेप्ट कर लिया BGMI? नहीं, BGMI उन्होंने अडेप्ट नहीं किया, शायद बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट जो हमारा इंडिया कोरिया का सर्कल था वो हमारा ग्लोबल सर्कल था, जो उसकी सेटिंग थी वो ग्लोबल सर्कल वाले पे सेटिंग थी, बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसका ध्यान दिया। दो बार मैंने कमेंट्री में उसकी बात की थी, बट उसके बाद बाकी किसी कास्टर ने उसके बारे में बात की नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, हमने भी दो बार बता के छोड़ दिया। तो यस, वहाँ पे जो हमारा ग्लोबल सर्कल्स होते हैं ना, जैसे उसकी जो टाइमिंग होती है, उसका जो डायमीटर होता है, शिफ्ट होने का जो समय होता है, वो सारी चीज़ें हमारा ग्लोबल वाले का था, तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनको पता होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने आराम से खेला और जीत गए। उनके रिफ्लेक्सेस और बाकी सारी चीजें बहुत तगड़ी है, तो हरा पाना बहुत मुश्किल। उसके बाद रेगल टॉस थोड़ा एंग्री हो गए थे उन पर, जो कि ईस्पोर्ट्स के रिलेटेड उनको हेट देते हैं। उनकी वो क्लिप आप देख सकते हैं। जो लोग मेरे को ईस्पोर्ट्स को लेकर हेट दे रहे हैं कि इसको सीसी बन के रह जाना चाहिए या इसको वो कर देना चाहिए या सिंगापुर जा रहा है वो नहीं जा रहा, तो भाई मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, तुम लोग पे काम धंधा नहीं होगा, मेरे पे थोड़ा बहुत काम धंधा और है। अपन ठीक है, खेलते गेम को, और जो लैंड की डेट थी जिस दिन मेरा वीजा अप्रूव हुआ, जिस दिन फ्लाइट टिकट, जिस दिन होटल टिकट सब आ गए थे, उस दिन लैंड की डेट पता चली थी और ब्रांड को कमिटमेंट दे रखी थी जो की अनडिनाइबल है एंड जो की इज्जत पे बात आती है, कभी समझेगा नहीं। तो प्लीज किसी को चेक करने से पहले पूछ लेना, सुन लेना की क्यों नहीं जा रहा वो लैंड खेलने, ठीक है? और जितना उसका प्राइस समझो, ठीक है, काम भी होता है, ऐसा नहीं है मैं स्पोर्ट्स का इग्नोर कर रहा हूं, बट तुम लोग को अगर नहीं पता क्यों नहीं जा रहा कहीं तो है डायरेक्ट बाय करना, चैट बजना बंद कर दो, कमेंट सेक्शन देख के मैंने थोड़ी शर्म कर लो भाई, खुद तो दो गले दूसरे को भी दो गला समझते हो यार, आज इसके फैन हो कल उसके फैन हो, जिसकी वॉच खाते तुम तो उसके फैन बन जाते हो यार, समझ लिया करो पहले किसी की बातें। यार मैं जितना टाइम मिलता उतना खेलता हूं, स्ट्रीम करता नहीं, ऊपर से तुम्हें दूसरे कमेंट सेक्शन में जाके हेट देना है, और वही चार पांच लोग हैं अलग अलग अकाउंट, नाम भी नहीं है, असली मत करो भाई, बस बस इरिटेशन हो रही है भाई, इतना देने के बाद गाली खा रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही BGMI कम्युनिटी की न्यूज़ चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।